مكناتكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير مني خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظري إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين قال فبما أغويتني لأقعدن لكم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خذ منها مسجونا مبشورا لمن تبعك منهم لأجلأن فكلا من حيث شئتما ولا تقربا عليه فجرح فتكلا من الظالمين ووسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما بدي عنهما من حياتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما اني لكما لمن المنافقين فدلاهما بدريه فلما ذاق الشجره بدت لهما سواتهما فتفقا يختصان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا لما بين أكلنا فقمنا ويأتينا الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون इंसानों ने तुम्हें जमीन में प्यार दिया और तुम्हारे लिए सामान्य नहीं तो तुमने प्रारंभ किया मगर कम लोग हैं जिन्होंने हमारा को पैदा किया हमने तुम्हारी तस्वीर की सुधार फिर हमने तुम्हारी सीरत बनाई और हरकों को कहा आदम को सजदा करो इस हुक्म पर सबने सजदा किया लेकिन इजीत सजदा करने वालों ने शामिल नहीं किया खुदा ने उससे पूछा कि जो किस चीज ने सजदा करने से रोका जबकि इस फैसले मैंने उसको दिया था कहने लगा मैं इंसान से बेहतर हूँ इन्हें मुझे आग से पैदा किया और इसके मशीन से पैदा किया पिता ने कहा अच्छा तो यहाँ से नहीं बेहतर है यहाँ से नहीं है कि तू भाई का वर्णन करे निकल जा के दरअसल सब के लोगों में से है जो खुद अपनी हिम्मत चाहते हैं इब्लीस ने कहा मुझे इस दिन तक की मेहनत दे खुदा जबकि सारे इंसान दोबारा उठाए जाएंगे अल्लाह ने कहा तुझे मेहनत इब्लीस ने कहा अच्छा तो जिस तरह तूने मुझे गुमराही में चला दिया है मैं भी अब तेरी स्थिति राह पर इन इंसानों की बात करूँगा इनके आगे इनके पीछे गाएँ और गाएँ हम सबसे छोड़ूंगा और तू इनमें से अक्सरियत को अपना ना सिखाएगा खुदा ने कहा निकल जा यहाँ से शरीर जाएंगे यकीन रख निकल जा यहाँ से हालत में किसी गरीब रहा है और यकीन रख कि उनमें से जो भी तेरी पैरवी करेंगे मैं तुझे भी और उनके भी सबको एहसान नहीं करती और आदम तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो यहाँ की चीज से तुम्हारा भी चाहे खाओ मगर इस दरख्त के पास न फटकना वरना जालिमों में से हो जाओ फिर शैतान ने उनको बहकाया ताकि उनके पहुंचीदा मकामात के एक दूसरे पाए गए थे उनके सामने खोल दो उसने उनसे कहा तुम्हारे रब ने तो मुझे दरख्त से रोका है इसकी वजह इसकी सिवा कुछ नहीं कि कहीं तुम फरिश्ते नहीं जाओ या तुम हमेशा जिंदगी नहीं जाओ और उसने अहम खाकर उनसे कहा कि मैं तुम्हारा सच्चा पहचान इसका झोंका देकर वो उन दोनों को रखता रखता आपको पहुँचा ले आया आखिरकार जब उन्होंने उस दरख्त को मजाक रखा तो उनके फख्र एक दूसरे के सामने खुल गए और वे अपने दुश्मनों के जन्नत के पत्तों को खाते लगे तब उनके रब ने उन्हें पुकारा क्या मैंने तुम्हें एक तरफ से रोका नहीं था सच्चा मैंने कहा नहीं था कि शैतान तुम्हारा किया तो वो दोनों बोल उसने जो है हमारे घर यकीन हमने अपने घर खत्म किया अब अगर तुमने हमसे दरगुजर न किया और हम पर वहन न किया तो यकीन हम तबाह हो जाएंगे खुदा ने कहा उतर जा और आज के तुम एक दूसरे के दुश्मन और तुम्हारे लिए खास मुंतब तक जमीन में जाए करार है और तीस दिन तक तुम्हारे लिए खरना है और तुम्हारे लिए और फिर कहा कि वहीं तुमको जीना है और वहीं तुमको मरना है
और उसी में से तुमको दोबारा निकाला जाता है। यादव की तरह की कहानी है इंसान दुनिया में क्यों आया, उसका मकसद क्या है? आयात से सवाले का नहीं है। इसकी आयात में अल्लाह तारा ने साथ फरमाया था कि निजाने कितने समय दुनिया में आए, सबाह के बाद और निजाने कितने सख्त दुनिया में उलट गए। आज अगर कोई अभी कारखाने पर तो नाच कर रहा है, अभी ताकत पर ही ग्यारह पर नाच कर रहा है तो दुनिया में तो तारीफ होगी, इसलिए उसकी फौज आती रहनी जाती है। इंसान को अल्लाह ताला की बात करनी चाहिए कि कभी माँ उस ले कि मोबा भी तुम बुला कर कभी भी दूर है दिया खुदा जो तुम्हारा परवरदिगार है ये तुम्हें सबकी बता करता है, इसकी तुम्हें बात करनी चाहिए और कुछ होकर दूसरे ये बात की किसी होगी। यहाँ अल्लाह ताला ने साथ फरमाया कि अरे इंसान हमने तुम्हें जमीन में प्यारा दिए, हमने तुम्हें प्यारा दिए हैं, हमने तुमको सामान्य नहीं दिया, यानी सियासत भी हमारा किया है, नैसत भी हमारा किया है। लखन नक्सर नाथों के बार जानना लखन की हाथ हम तुम्हें नाश का सामान देते हैं, जैसे कि वो भी दरख्त को खब देते हैं, हमारे सिस्टम की भी बनाते हैं, सियासी निजाम तुम खड़े नहीं करते हैं, वो भी प्यारा हमें बनाते हैं। सब कुछ हमारा किया होता है, इसका नतीजा ये था कि तुम्हें हमारा सिर्फ निजाम करना चाहिए, लेकिन तुम हमारे अलावा दूसरे का शुक्र अदा करते हमारा शुक्र अदा दूसरे की बात करते हमारे साथ जिसमें जाके सर तस्वीर हम करते हो हमारी नहीं रखन बच्चन नाशन चिलाओ और इस कारण हम तुम्हें जमीन में क्या अदा करते हैं और जालना लगन किया है भाई हम ही तुम्हारी गाय नहीं सब मुहैया करते हैं कली लम्बा करते हैं लेकिन कम है वो तुम लेकर हमारा अब जिन आयात से अल्लाह ताला बता रहा है कि अपनी कश्मीर हम तुम्हें दुनिया में लाए इस तरह से लाओ इस वक्त की दुनिया से क्यों है दुनिया में ये सब कुछ कि लोग अल्लाह की नाशुक्र हो जाते हैं, क्यों नाशुक्री की राह पर जाते हैं, क्यों अल्लाह की दाद नहीं करते और दूसरे की दाद करते हैं, अल्लाह को छोड़कर अल्लाह को भुला कर दूसरे के शुक्रगुजार क्यों नहीं करते, इसकी वजह क्या है, कौन दुश्मन तुम्हारे बीच में लगेगा, कौन तुम्हें बहका रहा है और कौन तुम्हें गलत राह पर डाल रहा है और किसी तुम्हें उठा नहीं दीजिए। तो अल्लाह ताला ने एक दुश्मन को कहता किया, एक दुश्मन है तुम्हारा जो तुमने हो और एक को एक तरह का इंतकाम की जमीन में चला, उससे इंतकाम लेना चाहता है तुमने सुन सकते और वो दुश्मन तुम्हारा हर आंत में आयात में पाना चाहता है, जिस तरह तुम पैदा हुए थे ऐसी सब चीज़ क्या वो लेना चाहता है। मुलाकत फलक ना सुन हमने तुम्हें पैदा किया था, तुम संवर ना सुन फिर हमने तुम्हारी सूरत बनाई, पहले तुम्हारा माता हमने पैदा किया, सौ मीटर तुम्हारा हॉस्पिटल में पैदा किया, हमने लेआउट बनाया तुम्हें हमने पहले तुम्हारा उसकी बात इंसान पैदा हुआ है तकलीफ हुई है पहले उसकी एक बात की हुई है लकत खलकना तुम तुम नकल करना, ये एक बात से बिल्कुल अलग बात है जो दारा साहब कहते हैं कि इंसान बंदर था और धीरे धीरे कभी तुम बड़ी थी जान लो दिन छोटी होती चली गई तो और छोटी हुई तो और छोटी हुई उसके बाद बाल काटने चले गए वर्षा चला गया आदमी के शरीर होते होते मुकम्मल इंसान ये बच्चे जीत गया। हमारे बाप दादा जैसे हकीकत में वो बंदर थे हम उन्हीं के छोटे हैं ये उनका फलसफा दार्वन साहब क्या पुराने जरूर हमें ये बता रहा है कि इंसान अपनी मुकम्मल शिकल में पैदा हुआ शामिल शहूर के आलम में पैदा हुआ ईमान हिदायत के साथ पैदा हुआ इंसान जानवर की औलाद थे इंसान तमाम कायनात का सुधरा है खलीफ के अल्लाह की लाइफ अल्लाह का नाइब है जानवर जानवर की नस्ल नहीं आदमी को अगर जानवर की नस्ल मान लिया जाए तो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है फिर आदमी एक आला किस्म का जानवर हो गया बस आदमी एक आला किस्म का जानवर हो गया और कोई खास बात नहीं आदमी घोड़ा खाता है गधा खाता है आदमी भी खाता है गधा घोड़ा अपनी बेगम के पास जाता है आदमी भी अपनी बेगम के पास जाता है तुम्हारे तरह से गौसा सिलसिला है इनका भी तुम्हारे तरह से सिलसिला है सारी चीज़ें उसको भी एक कार चाहिए उनको भी एक मकान चाहिए कि गया घोड़े में और आदमी में जानवर में आदमी में बंदर में आदमी में कोई फर्क नहीं बस थोड़ा मॉडिफाइड जानवर है आदमी थोड़ा बेहतर समय में पैदा हो गया है इसकी वही मकासद है वही चीज़ें हैं इनके लिए जिंदा रहना है खाना पीना ज़्यादा मजे की चीज़ें खा ले फूल ले बस वो जानवर घास खा रहा है ये ग्राउंड खाएँ क्योंकि मौजूद है
जानवर मुंह मार के खा रहा है, ये जरा होटल में सब्जी के साथ खा ले, लाइफ में मछली किस्म की, ये महजब सोशल एनिमल है, यही तो है आजकल मैनेज एक सोशल एनिमल। इंसान एक समाजी जानवर है, समाजी जानवर है का मतलब जरा समाज में रहने का ढंग जानता है, वही जानवर, वही खाना पीना, वही अपना जिनसी ताल्लुक कायम करना जैसे जानवर कायम करते हैं, बस इसी तरह ढंग से करना चाहिए, थोड़ा सा प्राइवेसी होनी चाहिए, बस इतना है। खाने पीने के थोड़ा जतन ढंग के होने चाहिए, जरा खाने आला मैार के होने चाहिए, जरा लोगों के साथ रखने चाहिए, गार है उनका कुछ किसी भी देखने आदि जाते हैं आगे का जरा मकान शानदार होना चाहिए, घूम फिर कर वही रोटी का मकान जो जिनकी जिम्मेदारी चीजें हैं उन्हें भी सर्दी करने के लिए खेतने के लिए चाहिए, जो रस्तों में सीख जाते हैं वो पत्तों में सीख जाते हैं, इसलिए हमने कपड़ा खरीदने के लिए तैयार कर लिया, उन्हें गार चाहिए बारिश से बचने के लिए हमने मकान बना लिए, उन्हें खाना पीना चाहिए हमने भी खाना पीना तैयार कर लिया, तो वही नारा जो केमिस्टों का नारा है रोटी कपड़ा और मकान जो बुनियादी संबंध दस मान जाते हैं, हम कितने जानवर की जरूरत है और हम अपने आपको जानवर की नस्ल माने अगर तो ये सारी जरूरतें हमारी बनती है, लेकिन तुम्हें अपने आप को अल्लाह का खलीफा कहते हैं, जब जानवर नहीं है हम शुक्र ईमान के आलम में पैदा हुए हैं खुदा के खलीफा हैं यहाँ कायनात में, तो अब हमारे ख्वाहिशात और हमारे जज्बात और हमारे रुझाना के फोकस में ये जमीन नहीं बल्कि अल्लाह कायनात की जाए, हमारे ओलों की जमीन के नीचे जमीन आसमान के लिए फिर अल्लाह से हमारा डायरेक्ट फोकस होगा, फिर हम अल्लाह अल्लाह के खलीफा बन जाएंगे, फिर अल्लाह की सिफात हमारे अंदर आएगी न कि जानवर की सिफात, ये हमारी जो जिसमें हैरानी है अल्लाह ताला ने किया है, इसलिए हम खाएंगे भी पियेंगे भी, लेकिन एक याद रखें कि अल्लाह ताला ने जिसमें हैरानी के साथ हमको एक रूह इंसानी अता की है, ये उस रूह से अलग है, आप जिसको जान कहते हैं एक बहुत ही गलत फहमी है, तो आप दूर करें लोग ये समझते हैं कि आदमी दो चीज़ होती है, जिसमें एक जान दो चीज़ें होती है, एक जिसम होता है एक जान होती है, एक जिसम होता है एक रूह होती है, ये दो चीज़ें होती हैं, किसी को चीज़ नहीं होती आदमी में, लेकिन इस चीज की चीज के साथ एक चीज और होती है, खाली जी क्या जैसा जैसा नाटक सवाल है क्योंकि जानवर में भी होती है, हिंदू जानवर में भी होती है, इसमें रूह दोनों चीजें जानवर में भी होती है, जो आप कहते हैं कि रमजान में रोजा रखने रूह की बाली चीज मिलती है, ये क्या चीज़ रूह को तकलीफ मिलती है, रूहानी पाकी की ये क्या चीज़, रोजा रखने से रूहानी पाकी की भैंस को तो मिलती नहीं खाने की मिलती, तो कौन सी रूह ये पाकी हो जाती है, अगर बहुत सा आप दो तीन दिन आप दाना पानी बंद कर देते हैं बहुत पाकी का रूह हो जाती है, बड़े आला के पानी से पैदा हो जाते हैं, ऐसी बात तो नहीं, जान तो इसमें भी है और जान तो ये चाहती है कि जान तो करेक्टों का खुद के अंदर भी है, तो जिसमें जान का मजमू तो हर जानवर है, इंसान की एक इंसानी रूह अलग जो उस रूह से अलग है जो हमारी रूह उस रूह से अलग है, और यही रूह है जिसको लाने रखा खुशी रूही मैंने अपनी रूह उसमें होती है, खादम के पुतले में मैंने अपनी रूह फूकी, ये वो रूह नहीं है जो भैंस में और घोड़े में गधे में है, मैंने अल्लाह ताला इसको अपनी रूह नहीं कहता आदम की रूह, मैंने अपनी रूह फूकी, ये वो रूह इंसानी है जिसका ताल्लुक अल्लाह ताला से ऐसा ही है जैसे सूरज की धूप का ताल्लुक सूरज से, हालांकि सूरज से अलग है ये, सूरज से बिल्कुल अलग है लेकिन ये इससे तकलीफ हासिल करती है ये जीतती है, ऐसे वो रूह इंसानी जो है तो अभी के साथ कहा गया कि अरवाह मुजन्नदा पैदा की गई थी, पहले अरवाह पैदा की गई थी, आदम के जिन को बाद में पैदा किया गया, आदम के जिन बाद में पैदा किया गया, इंसानी अरवाह पहले पैदा हो चुकी और फिर वो अरवाह आदम की पुश्त में डाली गई और वो सारी अरवाह से अल्लाह ने अहद लिया, अहद अलग कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो सबने कहा अल्लाह से तुम्हारा रब है, अभी आदम पैदा भी नहीं हुआ था ये अहद ले लिया गया था, ये जिसम अभी पैदा भी नहीं हुआ था सबके लिए पैदा हो, तो ये अरवाह मुजन्नदा इंसानी अरवाह पहले पैदा हो चुकी थी अभी आया, और फिर जो भी एक आदमी पैदा होता है उसको एक रूह लेकर अल्लाह ताला उसमें डाल देता है, और यही मतलब उस हदीस का जिसमें हुजूर अकरम साहब फरमाते हैं कि मैं उस वक्त नबी बन गया था जब आदम से पुतला भी नहीं बना था, आदम का पुतला नहीं बना तो हुजूर नबी कैसे बन गए, तो हुजूर तो आदम की असल में पैदा हुए हैं, आप नबी कैसे बन गए, इसलिए पैदा बन गए कि अरवाह जो थी इंसानी वो पहले पैदा हो चुकी थी और जितने इंसानी बाद में पैदा हुआ और फिर उसमें से एक एक रूह लेकर फिर उसका बेच किया जाता है, रूह इंसानी में रूह हैरानी से अलग है जो गड़े घोड़े के अंदर होती है, वो हमारी रूह सिर्फ खाना पीना कपड़ा मांगती है और कुछ नहीं मांगती, लेकिन इंसानी रूह जो है वो आला खसाइल और जो अखलाक की सिफात है ये सारी चीजें मांगती है, ये सारी चीजें इसको आप समझिए तो आपको वो सारी हदीसें और सारी आयत समझ आ जाएगी, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम जानवर की नस्ल नहीं हो बल्कि तुम्हें अल्लाह ताला ने कामिल रूह कामिल हिदायत के साथ अपनी इबादत के साथ अपने तुम्हारा चर्चा माता बताया
की बात किया, सुम्मा कुन्नारी मलाई कदीस जुदूल आदम, उसके बाद हमने कहा कि ऐ फरिश्तो आदम को सजदा करो। साफ जाहिर है कि अल्लाह ताला आदम को सजदा नहीं करा रहा, आदम को सजदा नहीं करा रहा। ये लोग कहते हैं आदम को सजदा कराया, आदम में कोई अपनी खास बात ऐसी थी कि आदम को सजदा कराया जाए? आदम को सजदा नहीं कराया बल्कि इंसान को सजदा कराया, क्योंकि अल्लाह ताला लफ्ज़े कुम बोला और फिर हमने तुम्हारी सारे इंसानों हमने तुम्हें पैदा किया और हमने तुम्हारी तस्वीर बनाई, उसके बाद हमने आदम को पैदा किया और कहा कि आदम को सजदा करो, यानी आदम इंसानी नस्ल के नुमाइंदे की हैसियत से सजदे के सवार करार पाए, न कि अपनी जाती है। जो खुदा ताला ने सजदा कराया, लफ्ज़े कुम बता रहा है हमने तुमको पैदा किया है इंसानों, हमने तुम्हारी तस्वीर बनाई है इंसानों, फिर हमने आदम को सजदा कराया, यानी तुमको पैदा कर तुम्हारी तस्वीर बनाकर आदम के जरिए तुम्हारी अजमत को फैसले में सलाम कराया। ये महज हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कराया गया, इंसानों की बदरी का एतराफ़ फैसले में कराया गया। आदम मनसूबा काम कर रहा है, आदम को सजदा करो ये बात अल्लाह ताला ने इसके पीछे एक वसी मनसूबा अल्लाह ताला के काम कर रहा था, जो उस सवाल के जवाब है कि पिछले आयत में आपके घर में पैदा किया। तो क्यों इंसान गुमराह होता है, क्यों मार गए खैर शर बरपा है दुनिया में, क्यों ये सारी चीज़ें हैं? हुजूर अकरम साहब फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब कायनात पैदा नहीं हुई थी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफात अल्लाह ताला ने थी, लेकिन कोई जानता नहीं, उनको गजब मस्ती है। मैं एक छुपा हुआ खजाना था, जब कायनात ही नहीं थी, खाली अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो कोई चीज़ ना थी, तो अल्लाह बस अपने आप को जानता था, कोई अल्लाह ताला को जानता नहीं। खुदा अलीम था, खुदा कबीर था, खुदा सबीर था, सुनने वाला था, जानने वाला था, लेकिन उसके इल्म का, उसके रहम का, उसके कहर का, उसके गज़ब का, उसके खल्क का, उसकी पैदा करने की सलाहियत का, ताकत का किसी को अंदाज़ा ही नहीं। अल्लाह ताला खालिक है, खुदा अलीम है, खुदा कबीर है, कबीर है, बसीर है, उसकी सारी सिफात ज़ाहिर ज़ाहिर होनी चाहिए। जैसे आग आप जलाते हैं तो गर्मी से खुद बहुत छूटती है, फूल खिलता है तो खुशबू खुद बहुत फैलती है, तो खुदा की जो सिफतें हैं खैर है तो खैर ज़ाहिर होना चाहिए, गज़ब है तो गज़ब ज़ाहिर होना चाहिए, रहम है तो रहम ज़ाहिर होना चाहिए, कुदरत है तो कुदरत को ज़ाहिर होना चाहिए। ये थोड़ी भी छुपा हुआ खजाना एक लाकर में रखा रहे, वो ज़हूर इस सिफात को खुदा ताला के इख़्तियार से हुआ। खालिक था वो तो सारी चीज़ें पैदा हो गई, रहीम था वो तो उसकी मेहरबानियाँ बंदगों पर हुई, खैर वाला है वो तो उसके खैर का इज़हार दोज़ख़ में हो जाएगा। इसकी जितनी सिफात हैं वो सारी की सारी इस कायनात की शक्ल में जाहिर हो रही हैं, अपने आप जाहिर इंतजार जिसे कहते हैं, जैसे सूरज में धूप निकल रही है इस तरह खुदा की सिफात फैल रही है, वो जाहिर हो रही है। जो बर्फ़ में से ठंडक निकलती है और आग में से गर्मी निकलती है, ऐसे खुदा ताला की सिफात है जो दरख्तों की शक्ल में और पेड़ पौधों की शक्ल में, नदी नालों की शक्ल में, रहम और मेहरबानी की शक्ल में, खैर की शक्ल में जाहिर हो रही है, खुदा की सिफात। तो खुदा ताला की जब ये सारी सिफात को जाहिर होना था तो अल्लाह ताला ये चाहता था कि कायनात में सारी सिफत रहम का भी और सिफत खैर का भी मुजाहरा हो, इसलिए दुनिया में शर और खैर का एक मार्का बरपा करना जरूरी था, शर और खैर का एक मार्का बरपा करना जरूरी था, जिसके लिए खुदा का मनसूबा ये है। खुदा के मनसूबे और नसीहत मिशा के मुताबिक शैतान की जब अल्लाह ताला ने जुदूल आदम कहा तो शैतान की तहरीक चुकी हुई है, आग से वो अपने आप सीधे रस के अंदर चला था, तकब्बुर के अंदर था, जिसको उसने झांप रखा था इबादत के पर्दे, इबादत के पर्दे में, तक़वा के पर्दे में, वाजिबुल मलकूत फरिश्तों का मालिक था, तक़वा के पर्दे, हालांकि जिन था फरिश्ता नहीं, तख्लीक आग से हुई थी, नूर से नहीं हुई, लेकिन बहम रियाजत के नतीजे में उसने वो मकाम हासिल किया तो फरिश्तों में शामिल हो गया। मालूम हुआ कि जो हदीस फरिश्त का इंसान भी या हदीस फरिश्त की चीज भी अपनी कामिल रियाजत के साथ और अपने कर्ज की सलाहियत से आला मकाम हासिल कर सकती है। जब शैतान ने वो मकाम हासिल किया कि फरिश्तों में लिया, अल्लाह ताला तो जानता था कि इसमें चीज़ें का छिपा हुआ है और कुदरत खुदावंदी की जाहिर करना चाहती थी, इसलिए इंसान जो मछली से पैदा किया गया था कि उसकी नज़र में कमतर था, इसे सजदा कराया गया ताकि उसके अंदर छिपा हुआ जो तकब्बुर है वो आश्कार हो जाए और ये तकब्बुर से इंसान से दुश्मनी पर आमादा करे और उसका मकाम बुलंद उससे छिन जाए, नतीजे में ये इंसान से इसका मकाम बुलंद छीनने की कोशिश करे और उसकी जन्नत से निकाले। खुदा इंसान ने आदम के जन्नत, यानी आदम ने शैतान के जन्नत से निकलवा दिया, शैतान ने आदम के जन्नत से निकलवा दिया, लिहाजा एक काबिल दुश्मनी की बुनियाद दोनों के अंदर पड़ गई। अब मार के खैर उठा की दुनिया में बरपा होना है, वो इस तरह बरपा होना है कि पूरी ताकत और पूरी सलाहियत दोनों की लगी हुई, क्योंकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए और जब तक हरीफ पूरे दुश्मनी में कामिल न हो जाए मार्ग ठीक से होता नहीं, लड़ाई पूरी होती नहीं, न
पहलवान जब तक ये कसम न खा ले मुझे इसको पछाड़ना है, डायरेक्ट किसी ढंग से होती नहीं है। लिहाजा शैतान के दिल में इंसान की दुश्मनी डालना जरूरी था और इंसान के दिल में शैतान की दुश्मनी डालना जरूरी है। तो शैतान के दिल में इंसान की दुश्मनी डाली गई क्योंकि इंसान ने शैतान का मकाम बलंद छीन लिया, और इंसान के दिल में और शैतान के दिल में इंसान की दुश्मनी पड़ गई। इंसान के दिल में शैतान की इसलिए कि शैतान ने इंसान के दिल में छीन लिया, नीचे आ गया। ये एक दुश्मनी का माहौल अल्लाह ताला ने इसलिए कि दुनिया में पूरी ताकत और पूरी सलाहियत के साथ अब इस स्पष्ट मंजर में आप शैतान की रक्षा का अंदाजा लगाइए कि क्या हो। शैतान को ये बता दिया गया है कि तेरे लिए मिजाज तो खुद इंसान नहीं है, ये तो दोजख में जाएगा, बस ये इतना टाइम जितना मिला है इतना ही देर बाद होगा। शैतान जानता है मेरे पास जीने सीने लगे हैं, अपने जिंदा इंसान को सर्व करने के लिए इनका ही मायूस है, ये जीत सब करता है इनका ही मायूस, इनका ही मायूस है। मायूसी के आलम में इंसान कुछ भी कर सकता है आदमी आ जाते हैं। शैतान इंतकाम की नसीहत है शैतान और मायूस है, जानता है बिलाकर मुझे दोजख में जाना है। ये लम्हा मैं शैतान इंसान को निगोसार करने के लिए इसको हारो जलील करने के लिए इस्तेमाल करूँगा। ऐसे लम उसको वसाइल दिए कामिल चलाए तो कामिल वसाइल वाला इंसान जो इंतकाम की जरिए से जो रात इंतकाम की जरिए सरकार है और जिसके पास जीने जीने लगे हैं क्योंकि जीने जीने और मरने का सवाल है, वो तो पूरे सदर की बाजी लगा है आदमी गुमराह करने के लिए। हर हर बात सोच रहा है, हर तरकीब सोच रहा है। आप देखिए अगर आपके ऊपर एकदम कोई भी खुदा ना खासा किसी दो की दफा लग जाए तो उससे बचने के लिए तो आप हर तरह आपका दिमाग इतना तेज काम करेगा कि आप दस दस मिनट देते हैं एविडेंस तलाश कर लेंगे, सबूत और दलाइल तलाश कर लेंगे। किसी आदमी को इलेक्शन में आप हराना चाहें तो आप जैसे सीखिए, आप सिर्फ इलेक्शन के जरा सा मार्का होता है तो आदमी पैसा भी खर्च कर आदमी खोल कर टाइम भी कर रहा है, रात भर बोलते हैं, गले पड़ जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, कौम की खिदमत के अंदर परेशान बेचारे फिरते हैं, हराना है किसी अपने हरीफ को तो आप बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमने कोई और रूल रूल कर दी। चंद दिन के लिए इलेक्शन की मार्के में आदमी कैसा होता है बारे में देखिए आप इलेक्शन में खड़े होते हैं। शैतान किस मदद किन नफियात से निकाल हर कीमत पर उसे इंसान को गिराना है और जलील करना है और हजार हीलों से करना है। इतना ही नहीं कि जो मुस्तकबिल परहेजगार हैं वो बिल्कुल मामूर हो गए हैं, फिल्म में महफूज हो गए हैं, अब उन्हें गुमराह नहीं कर सकता शैतान। शैतान के पास उनके लिए भी जाने कितने कार्ड जाने कितने कार्ड हैं, शैतान उनको उन्हीं के दाव में गिरा लेता है। हम तो अल्लाह से बड़ा डरते हैं, हम तो बड़े तकवा वाले हैं, हम तो बड़े ये हैं वो हैं किन्नी है कितना है, यही तो शैतान का दाव है। जहाँ आपको एहसास हुआ मैं तो बड़ा इस्तफार कर रहा हूँ, मैं तो बड़ी तौबा कर रहा हूँ, मैं तो बड़ा नेक हूँ, मैं तो बड़ा अल्लाह वाला हूँ, जहाँ ये एहसास पैदा हुआ शैतान का कार्ड इस्तेमाल नहीं है। वो तो बिल्कुल जिसका चाहता हूँ उसे इलाज कर देता है, जिसका चाहता है लेकिन कर देता है, उसको उसी के दाव पर गिरा लेता है। ज्यादा खतरा तो बल्कि मुत्तकीन और परहेजगारों के लिए ही है। गुरूर तकवा ही तो था जो शैतान को ले मरा, गुरूर तकवा था। मैंने लाखों साल खुदा की बात की है, मैं कैसे राजा दरगाहों से कहूँ जन्नत तो मेरा ठेगा है, मेरा इजारा है, रिजर्वेशन हो गया है मेरा जन्म की सीटों के ऊपर, सब आज भी वो गुरूर तकवा मौजूद। नमाज के अंदर जो मौसमी नमाजी आते हैं देखें साहब उनके तकवा और खसियत का हाल, नमाज के लोग नहीं आए, एक ही नमाजी को डांट रहे हैं, एक का ढकना देख रहे हैं, किसका बीघा है किसका नहीं बीघा है, किसका पाचा नीचा है किसका ऊंचा है, सरेआम डांट रहे हैं, सरेआम डांट रहे हैं और तकवा के मारे बात नहीं कर रहे हैं, दूर खड़ी है जिस गाड़ी में लिखा होता है दूर रहिए, बात नहीं कीजिए। गुरु तकवा के मारे तो क्या है, ये क्या चीज़ आप क्या समझते हैं? तकवा के प्यार बने तो उसकी हाथ में हालात तकलीफ मुकदस में आदमी न जाने किस वक्त यानी कब शैतान अपना काम कर जाए हम समझ नहीं सकते हैं, कब शैतान अपना काम करता है क्योंकि वो इंतकामी नफ्सियात में नफ्सियात है और हर आदमी को उसके दाव से गिराता है, उसके दाव से गिरा लेता है। तो ये अल्लाह ताला पूरा पस मंजर रखना चाहता है कि उस विधू जो अल्लाह ने कहा था शैतान से कि सजदा करो, ये दरअसल फरिश्तों से नहीं शैतान ही से कहा, उससे तो जानता है अल्लाह ताला के सब सजदा करेंगे, कोई इंकार नहीं करेगा। शैतान के दिल में क्योंकि गुरूर छिपा हुआ है तकवा का और उसको बेनकाब करना है, लिहाजा सबके लिए एक सा ऑर्डर लगा जारी किया, एक जियो जिस है ना एक जारी किया सबके लिए। असली मकसद था शैतान, शैतान के तकबर को बाजराफ करना और इस मार्के का इब्तदाई स्टेज तैयार करना। इसलिए आदम फसल यदू अल्लाह इब्लीस इस हुक्म पर सबने सजदा किया मगर इब्लीस से नहीं, लब यकुन मिन साजिदीन वो सजदा करने वालों में शामिल नहीं हुआ। काला मा मनअक अल्लाह तसजुद इस अमरतुक, अल्लाह ने कहा तूने क्यों सजदा नहीं किया जबकि मैंने हुक्म दिया था।
तो ये देख रहा है कि शायद ये तो ये मक्खी से बना है और मैं आग से बना हूँ, ये कमतर है और मैं बढ़कर हूँ, ये देख रहा है। आदम को मैं ऐसे ही थोड़ी समझा करा रहा हूँ कि आदम तुझसे बढ़कर है या कमतर है, ये सवाल ही नहीं है। आदम को तो इसलिए तुझे सजदा करना था कि हुक्म मैंने दिया है। आदम को जो शिकाक हुआ है सजदे का, वो उसकी जात की बिना पर नहीं, वो मेरे दीन की बिना पर हुआ। जब मैंने कहा इस अमर को कहा तो मैंने तुझे हुक्म देने वाले को देखना था कि जिसके लिए हुक्म दिया जा रहा है उसको देखना, कहा तो मैंने था इस अमर को। जब मैंने कहा था तो तुझे मना कर लाता सूर्य मत काला अना खैर मिन, इब्लीस ने कहा परवरदिगार मैं इससे बेहतर, मैं इससे बेहतर हूँ, अना खैर मिन, मैं आग से पैदा हुआ हूँ, ये मट्टी से पैदा हुआ, नस्ल नसल का इम्तियाज इज्जत का मैार समझ रहा है, शैतान समझ रहा है नसल का, मैं नसल हड्डी बोटी कैसी है इससे जो है इज्जत वाला बनता है, और खुदा यहाँ आमाल और तकवा और खुदा के कहना कहना मानने की बुनियाद पर इज्जत वाले बनता है। शैतान उसी में नस्ल प्रस्तुत में गिरफ्तार है, वो समझ रहा है कि मेरी जो पैदाइश है वो आला चीज से हुई, मेरी नस्ल आला है, इसकी नस्ल कमतर है, आला नस्ल ही तो गुरूर का शिकार है। शैतान माना खैर उम्मीद, मैं इससे बेहतर हूँ परवरदिगार, क्यों बेहतर हूँ, खलक तनी में नारे व खलक तीन, तूने तो मुझे आग से पैदा किया, एक तो मछली से पैदा किया, मछली जो खामोश है और आग जिसमें जोश, तो मैं बेहतर हूँ ना कि ये बेहतर, मैं इसी से जगह से कर सकता हूँ आग मछली जागी कर सकती, ये शैतान है। हालांकि ये उसका ख्याल खाम है, मट्टी में श्याल है, इन आग में श्याल है, वैसे गजब है आग के अंदर श्याल का क्या है, और मट्टी में खाकारी, आग में गुरूर है, मट्टी में खाकारी, खाकारी जो है वो काबिल तरजीह है और अफजल होती है, न कि गुरूर न कि तकबर, और इसी ने उसको दलील कराया, जिस चीज़ को वो अपनी बेहतरी की बुनियाद समझ रहा है इसी चीज़ ने उसको दलील करा दिया है, और इंसान को उसी चीज ने आला कर दिया है जो तो वो कमजर समझ रहा है, इंसान को उसकी खाकारी और उसकी दवाजों ने आला कर दिया, मट्टी में सकार है, मट्टी में सुकून है, आग में साग साग है, आग में जोश है, दिखावा है, रंधन है, आग में इसराब है, तो ये चीज जो है अल्लाह ताला ने कहा कि जो अल्लाह ताला ने उस मेयार को उस मापदंड को तस्वीर नहीं किया अल्लाह ताला काला पहाड़ी तो नहीं हाल, अल्लाह ने कहा तो अच्छा तुम्हें अपनी के ऊपर समा यकून लता अंत तक पर रसीहा, तुझे कोई हक नहीं था कि तुझे अपने घर में निकल खा ले, फखरुज इन कमिन सागरीन, निकल जा कि तू उन लोगों में से है जो खुद अपनी जिल्लत चाहते हैं। सागर अपनी कहते हैं आदमी को कि अपनी जिल्लत खुद करा, अच्छा खासा मौजूद अच्छा खासा मौजूद जैसे हम सब बैठे कि लोगों ने ताली की कहा बहा कि जैसे हम सब चल बैठे तो लोगों ने ताली की अपनी इज्जत से खुद दुश्मन आदाइल में बीमार, इसलिए कहते हैं अभी साफ है, तो अल्लाह ने फरमाया तू खुद अपने अपनी इज्जत का रुख में तू खुद अपनी जिल्लत चाहता है, तूने खुद ये रास्ता पसंद किया, तकब्बुर का रास्ता पसंद किया, इसलिए यहाँ से निकल जा जाए कि अल्लाह ताला का आखिरी आर्डर है, अब शैतान के लिए कोई रास्ता नहीं है, शैतान के सारे करकट के तीर खत्म हो गए, शैतान को पूरे यकीन हो गया कि अब दो वक्त मेरे से अंजाम नहीं है, अब खुदा से माफ़ी मांगू मैं तो भी कबूल नहीं है, ये खुदा ताला मैं सच कह रहा हूँ और हमेशा मैं सच्ची कहा करता लाम लाम धन्यवाद तो कभी आता नहीं कि मैं तुझे और तेरे मानने वाले को सच्ची दे सकता हूँ। जब अल्लाह ने यह आखिरी फैसला सुना दिया था शैतान की मवेशी का आलम किया जाता है, उस इंतकाम का आलम क्या होगा जो इंसान इखलाफ से दरवाजा होगा, और उस प्लानिंग का क्या आलम होगा जो इंसान इखलाफ ने बनाई हुई, हर चीज को इंसान की मद्देनजर रखा होगा, हर कमजोरी को इंसान हर कमजोरी को चेक किया होगा, कहाँ कहाँ से किसी किसी को गिराया जा सकता है और कैसे कैसे शिकार किया जा सकता है, सब पूरी से प्लानिंग कर ली और तो अल्लाह ताला से बोला शैतान मुझे एक परवरदिगार मेहनत दे, मुझे मोहलत दे दे इलाही कितना इंतजाम का बच्चा मुझे मोहलत दे दे करा मोहलत दे, जब तक ये इच्छेगा दोबारा जिंदा होगा तब तक अंजीर मिला मोहलत चाहता हूँ, मोहलत ये कि इख्तियार नहीं इख्तियार दे, मोहलत ये कि मुझे गुमराह करने का मौका मिले मिले वक्त मिले, ये ना हो कि मैं गुमराह करूँ तो आड़े आ जाए तरीका, ऐसा ना छोड़ दो तुझे ये मुकाबला खुला छोड़ दो, तू मुझे जब तक हो जा इंसान को मेरा डायरेक्ट मुकाबला है बस ठीक है, मुझे मोहलत दे दे गुमराह कर दे अपने सारे सलाहियतों का इस्तेमाल कर ले, और मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं अफजल हूँ इंसान अफजल, मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि अगर मैं भटका हूँ
तो ये कोई बात है कि कायनात का मसीब बनाया जाता है, ऐसे खलीफा अर्ज खलीफुल्लाह बनाया जाता, ये मैं साबित करके दिखाऊंगा, मगर तुम लिखी पहले ही खाला अर्जी नीला में रखो खाला इस नकल में गरी जाता है। मैं तुझे मोहलत दी जाती है, तुझे मोहलत दी जाती है, तू जितने चाहे अपने वसाइल इस्तेमाल कर सकता है, नजरियात के अफकार के अमाल के पुरकशी करने के, गुनाह में कशिश पैदा करने के, जितने भी चाहे कर सकता है, सारी मोहलत कोई तरह हाथ नहीं रखेगा गुमराह करने। ये मुकाबला हम खुला छोड़ते हैं, अर्जी मिलाएंगे फोन इन्ना का मेरे जरीन तुझे छूट दी जाती। आगे इब्लीस ने अपना चैलेंज कर दिखाया, यानी ये साबित कर दिया कि इंसान किसी गुजार बनना नहीं साबित किया। इब्लीस ने जो कहा था उसे इंसानों के इन्ना का मिनल मुंजरीन अल्लाह ने फरमाया अच्छा तुझे मेहनत दी जाती है, मेरी तरफ जाने वाली चाहे हक पर बैठ जाऊंगा इंसान के आगे कदम बहरे नहीं, पर इंसान के कदम बहरे नहीं होगा, या कदम मिलाऊं चुरा सकल मुस्तकीम सुन्नल आफिया नहीं मिल गई अईदीहिम वमिन खल्फिहिम वान अईमानिहिम वान शमाइलिहिम, और फिर मैं आऊंगा हर तरफ से उसी जेल चाय से पाए से आगे से पीछे से हर जगह से जाऊंगा मैं इंसान को गुमराह करने के लिए, कल्चर में, तमतुन में, तंजीद में, अदब में, आयश में, नाचने में, घरेलू जिंदगी में, नजरियात में, रफ्तार में, हर जगह घुस जाऊंगा, कोई जगह नहीं छोड़ूंगा मैं, हत्ता के तकद्दुस की बारगाह तक नहीं घुस जाऊंगा, कोई जगह नहीं छोड़ूंगा जहां इंसान को मैं गुमराह करने के सारे की पैदा नहीं ले सकता, हर जगह घुस जाऊंगा, दिलकश नारे याद करूंगा, दिलकश बातें कहूंगा, हक के यानी बादल हक के पर्दे में बादल खोल खोल के खिलाऊंगा इंसान को, झूठे नारे दूंगा, फरेब अल्फाज दूंगा और उसके बीच में इंसानों को बर्बाद करूंगा, कुछ भी मैं करूंगा। अल्लाह ताला ने पूरे बड़ी साल में साथ सुनाया इस बात को, फिर उनके हमीर करते हुए शैतान को इस बात के साथ सुना, अल्लाह ताला ने किसी की किया दी हुए शैतान को अल्लाह ने सुनाया वो इंसादी मैं सभी जी न करने लाओ काला सिस्टम के इंतजार करने लिखाओ तो आइए वाले ही वस्तव की मैंने सुना तो मैंने लिखाओ तो आइए वाले ही लिखाई और अजी ने وَسَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَإِذْهِمْ کیا تجھے خود دی جاتی ہے تو جس کو چاہے پروپیگنڈے کے پیچھ لائے میں نے سکھا کر نہیں لکھائی تھی جس کو چاہے اپنی دعوت سے اپنے پروپیگنڈے کے پیچھ لائے وہ اجی والے ہوں دکھائی لکھ ورگی لکھ جس پر چاہے تو اپنے گھوڑے اپنی سہری کہہ لائے وَسَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ جس کو چاہے مسجد سے کوئی خرید ہو جائے وہی دھوم جس کے پاس چاہے تو جھوٹے بارے گا शैतान आता है सियासी चिराह से जब वो घोड़े चढ़ा के खिलाफ है लिखते हैं, और शैतान आता है मैजिक चिराह से जब वो माल और औलाद में खरीद होता है, और शैतान आता है प्रबंध चिराह से नजरियात और कार के जब वो मुख्तलिफ निजाम और मुख्तलिफ नजरियात के और शैतान आता है झूठे वादे और सब लिखाते हैं खूबसूरत नारे की आड़ में अपने प्रबंधों से जिसको चाहे तो अपने फैले कहा ला उसके ऊपर और जिसकी चाहे तो उसकी मस्जिद से खरीद होगा मैं जैसे खरीद नहीं पाए अब वो शहर पर कब्जा करेगा मस्जिद पर कब्जा करेगा आपके अलावा आल आलाद पर कब्जा करेगा और आपके प्रबंध के चाल में फंसेगा उसके लगने में फंसेगा ये है शैतान के सारे चाहे जो उसके नाम करेगा इंसान को गंदा करने के लिए अल्लाह ताला ने इसलिए चीज दी है किस इन चीजों की प्यार किस नहीं दिया ये प्यार किस नहीं दिया आपके सामने गुनाह के विकल्प बना के पेश कर सकता है लेकिन ये तो आपके गुनाह पर मजबूर नहीं
बात हुई है।